बात्या कोकुआ भय अत्यावश्यक सामग्री दर एवं आकाश छुआ बात्या आशंकर दुकान में ग्राहकों लंबा लाइन लगुच पर दर शहे छुईला सेपटे लोकों आवश्यक पर सामग्री किणवाकूंट व्यवसायी तो बात्या नुआशुणु कला बजारी आरंभ हो किसी असाधु व्यवसायी यार फायदा उठाई महजूद कर दर बढ़ाई जार प्रभाव जो प्रभावित जिला गुड़िकर विशेषकर देखा मिली तो आम आपको नहीं जाऊँ राज्य अन्यतम प्रमुख डेली मार्केट परिवा बाजार कहुची छत्र बाजार परिवा मार्केट को एवं सेठ जोड़ी होती आम प्रतिनिधि विश्वजित दास। विश्वजित छत्र बाजार रे बात्या को आशंका को नहीं कि परिवा दर वृद्धि घटी कि सेठी केमती रही स्थिति निश्चित भाव में शक्तिशाली देखो बात्या न आसा पूर्व लोक मध्य गोटे भय देखा जाए से भयर मार्केट टे भिड़ जमी एस आर सी गत काली अत्यावश्यक सामग्री जी दरकार निर्णय अधिका निर्णय कितु आम प्रथम से छत्र बजार दृश्य देखो देखो टे भिड़ जमी बात्या पूर्व ये हूँ तार दृश्य लोक मन कौटना कौट से भय रही जदि बात्या हुए तो मार्केट बंद हो दर वृद्धि पाव कि जो लोकंर जो अत्यावश्यक अधिक नवा कि जी दरकार तार अधिका नवा जहाँ को लेकिन गोटे प्रकार ब्लाक मार्केट आरंभ हो जाए आप जानते गत चार दिन भितर आप देखिए आलू रेट्रे अहेतुक वृद्धि पाई गत चार दिन भी तले आलू पैकेट प्रति 570 टंका था कि आज ता पैकेट 900 टंका रे पहुंची लोक जो 3 किलो कथा से 5 किलो नौचंती काले बात्या हम कि बड़ कथा हूँ बात्या पूर्व गोटे मार्केट दर वृद्धि गोटे चिंता कारण पलटी किसी असाधु जो व्यवसायी मैंने से मैंने यार फायदा उठाऊँ निश्चित भाव में सहित छत्र व्यवसाय संघ संपादक अच्छा तेनाली आलोचना करवा सर चार दिन तले 540 टाँग आलू पैकेट था कि आज 900 टाँग किसी असाधु व्यक्ति या होल्ड कर रख बिकुं ब्लाक करी ना जी आसूला तार परिमाण कमी देखिए ये आइटम जोटा कि पेरिसेबुल सड़ा पचा जिनस ये थे आसिले ये बिक्री हे क्या आम अबिका संपूर्ण निर्भर करेंगल तेणु बेंगल जी आलू अच्छी पर्याप्त ना शेष अवस्था ये बात्या सकाशे से बहुत डिमांड रही बेंगल आम ओडार प्राय जिते जिला अच्छे डिस्ट्रिक्ट सबूक बेंगल पर निर्भर करते रेट बढ़ी से आलू मिलूनी तेणु से उचा हेल्थ से हिसाब से बिक्री होती तेणु से आसिले बिक्री हे बहुत कष्ट आलू ये आसूँ आठ आसला मैंने सांगे सांगे बिक्री ये होर्डिंग ये ना आपको रखला मैंने तो सड़ब तेणु थंडारे गजाई से पर सांगे सांगे बिक्री हुए तेणु आगुरी आम कही होर्डिंग कटक भितर हुए ना आम ओडा भितर हुए ना जो पॉइंट जिनस बाहर से जगह जहाँ हूँ तेणु से बढ़ला डिमांडा बढ़ला प्रेसर है बर्षा ना बात्या भी है रेट बढ़ुची यार कारण बात्या को ये लोक मन गोटे भय जात हो काले जी बात्याटा ताले चार पाँच दिन लोक असुविधा हो पाँच सात दिन पर्यंत हईराण से खाली पर नु शुकला ग्रोसरी समेत किसी पाँच सात दिन स्टक् करे किले नवा जगह से 7 किलो 8 किलो नौ काले असुविधा हो बात्या आसीगले लाइन चल जब कौन भाविकी आसीपारे कि जापर कौन लैंडफल होगापर जमापड़ से भय हिसाब से लोक अधिक छत्र गाड़ी आसाला एवं दुई चार दिन भर के गाड़ी आस दिन ए दिन को तीन गाड़ी चार गाड़ी दी गाड़ी लास्ट ही आसला आउ जेहेतु आगे आसाला 7-8 गाड़ी आलुर आवश्यकता अभी तो आसीपारे कहीं बात्यापाई से आलु मिलला भाया अवस्था ना सफिसीयंट भी नाई से आलु ताप डिमांड से बेस सब अलग जिला मैंने नहीं जा अलग राज्य भी नहीं जाऊँच तो से दृष्टि से सर्ट अच्छी से रेट बढ़ला ये बढ़ुचे कम तापर निश्चय कम कहीं ये लोक जो जो आकार नौकर देखिए तापर आगे बात्याटा जो आरंभ हम कि ना पाखे स्टकटा रहीगला सी जहाँ भी तो खर्च करेंगे ना शेष प्रश्न जो मैंने आलु रखी अच्छी तो ब्लाक बिकुं व्यवसाय संघ पक्ष पदकेप निदी कल नहीं आमर एटी होर्डिंग तो ना तेणु आमर एटी जदि से किए कैपर आम निश्चय पदकेप नबू कि यहाँ बेंगल बढ़ुची से जो मैंने रखिंटर गवर्नमेंट कौन करेट बढ़ल बढ़ुची जहाँ आलोचना करते व्यवसाय संघ संपादक रही देव साहू जे आलोचना करते जेहेतु बेंगल रेट बढ़ुची और जी गाड़ी आवश्यक रही
ତାଠାରୁ କମ୍ ଆସୁଛି। ପାଖାପାଖି ଛତ୍ରପତି 7 ରୁ 8 ଗାଡ଼ି ପ୍ରତିଦିନ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ 2 ରୁ 3 ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି କିଲୋ ପ୍ରତି ଆଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗତ 4 ଦିନ ତଳେ ଯେତେବେଳେ ଧଡ଼ା ପ୍ରତି 40 ଟଙ୍କାରେ 50 ଟଙ୍କା ବିକ୍ରି ହେଉଥିଲା, ଏବେ କିନ୍ତୁ ତା 70 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ତା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ପରିବା କଥା ଯଦି ଆମେ ରଖିବା, ଟମାଟୋ ରେଟ୍ରେ ମଧ୍ୟ 70 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ବିନ୍ସ ମଧ୍ୟ 50 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ ଝୁଡ଼ଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ 50 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦର ବୃଦ୍ଧି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଟିକିଏ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବାତ୍ୟାର ଭୟ, ଗୋଟିଏ ପଟେ ପରିବା ଦରର ଭୟ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ବାତ୍ୟା ଆସୁଛି, ଲୋକ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଭୟଭୀତ ହୋଇକି ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ କମ୍ ରହିଛି ସେଠି 5 ରୁ 7 କିଲୋ ନେଉଛନ୍ତି, ଯାହାର 7 କିଲୋ 8 କିଲୋ ଆବଶ୍ୟକ ସେ ଗୋଟେ ବସ୍ତା ନେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କିଛି ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଯଦି ସଚେତନ ନ ହେବେ, ଲୋକ ଯଦି ଏଭଳି ବ୍ୟାକୁଳ ସହିତ ପରିବାକୁ ନେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଯେଉଁ ଅସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠେଇବେ। ସାର୍, ବିନ୍ର ରେଟ୍ କେତେ କ'ଣ? 50 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ଟମାଟୋ କେତେ ରହିଛି? 60 ଟଙ୍କା କିଲୋ। ଆଉ କୋବି ଗୋଟେ କେତେ ରହିଛି? କୋବି 20 ଟଙ୍କା। ଏଇ ଆଗରୁ ଠିକ ଥିଲା ନା ଆଜି ଟିକେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି? ନା, ଆଗରୁ ଥିଲା, ପିଲାଟି 80 ଥିଲା, ଅବିକା 60 ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ବାତ୍ୟା ପାଇଁ ଟିକେ ଲୋକ ଅଧିକ ହେଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ରେଟ୍ ବଢ଼ିଛି ଆଉ ଟିକେ? ନାଇଁ ନାଇଁ, କିଛି ବଢ଼ିନି, କିଛି ବଢ଼ିନି। ରେଟ୍ଟା ଖାଲି ଆଳୁର 100 ଟଙ୍କା ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ ବଢ଼ିଛି, ଆଉ ପିଆଜ ତ ସବୁ ଶସ୍ତା। ଆଉ ତ ଆଳୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ କମନ୍ ପରିବା, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାକୁ ଅଧିକ ମହଜୁଦ ରଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇଥିପାଇଁ ଦର ବୃଦ୍ଧି ଆଳୁର ଘଟିଛି ବିଶେଷ କରି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଛତ୍ର ବଜାରର ଚିତ୍ର। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ, ଯିଏକି ଛତ୍ର ବଜାର ବ୍ୟବସାୟୀ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଏବଂ ତାଙ୍କର କହିବା କଥା ଯେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଆଳୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ତା ଉପରେ ଆମେ ନିର୍ଭରଶୀଳ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଯେହେତୁ ଆଳୁ ଆସିବା କମିଯାଇଛି ଏବଂ ସେଠୁ ଯେହେତୁ ଦର ବଢ଼ିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ତା'ର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି ଆମର ପରିବା ବଜାର ଉପରେ। ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି କିଣନ୍ତୁ, ଅଯଥାରେ ନେଇକି ଘରେ ମହଜୁଦ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି କୃତ୍ରିମ ଅଭାବ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବଜାରରେ।